सो हे गाइस, दिस इज मनीष शर्मा एंड यू आर वाचिंग गैजेट प्लस चैनल। और आज की वीडियो हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो प्रोसेसर का, जो है हमारे पास मीडियाटेक का G90T एंड स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर। यहाँ पर अगर बात करें दोनों प्रोसेसर की, तो दोनों ही अपने आप में भैया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर निकल के आते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें भैया इन फोन्स के बारे में जिसमें आपको प्रोसेसर लग के आने वाले, तो पहला फ़ोन कन्फर्म हो चुका है जो है रेडमी का नोट 8 प्रो, जिसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर एंड 730G के ऊपर भी नेक्स्ट अपकमिंग फ़ोन आने वाला है। एंड कौन सा आने वाला है वो आप गेस करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट आई होप यहाँ पर ये जो कंपैरिजन होगा, इसे देखने के बाद आपको शायद और कोई कंपैरिजन देखने की जरूरत ना पड़े। और गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज मैंने लास्ट में इसका पूरा कंक्लूजन बताया कि दोनों में से आखिर कौन सा प्रोसेसर आखिर इस बाजी को जीतता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में एंड आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मी ऑल नोटिफिकेशन एवरी डे। तो गाइस यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले इस प्रोसेसर के सीपीयू एंड जीपीयू के बारे में, तो यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले अपना प्रोसेसर मीडियाटेक का G90T। तो इसमें आपको मिलता है 64-bit का ऑक्टोकोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। अगर कोर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 2 कोर्स कॉर्टेक्स A73 बेस, जो कि क्लॉक की है 2.05 GHz की स्पीड पर। एंड जो अदर 6 कोर्स हैं वो आपको मिलती है कॉर्टेक्स की A55 बेस, जो कि क्लॉक की गई है 2.0 GHz की स्पीड पर। देन नेक्स्ट साइड में अगर बात की जाए 730G की, तो यहाँ पर वो आता है 64-bit के GPU के साथ में, जहां पर आपको मिलता है CPU वो है क्रायो का 470 CPU देखने को मिल जाता है। देन अगर अपन बात करते हैं CPU के बारे में, तो ये एक ऑक्टोकोर CPU है जिसमें आपको मिलती है 8 कोर्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको जो 2 कोर्स मिलते हैं वो है कॉर्टेक्स की A76 बेस्ड। अगर बात करें स्पीड की, तो वो आती है 2.2 GHz की स्पीड के साथ में। जो अदर 6 कोर्स है वो आती है कॉर्टेक्स की A55 बेस्ड, जो कि स्पीड है उनकी 1.8 GHz की। सो गाइस यहां पर अगर कोर्स की बात करें, जो हमारा 730G है वो मच बेटर निकल के आता है कोर्स के कंपैरिजन में। गाइस अगर बात करें यहाँ पर गीगवेंस 4 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो हमारा हीलियो का G90T प्रोसेसर है वो 10% बेटर परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर सकता है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 730G। तो ये है इसका पूरा कोर्स का सिस्टम, जहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है वो मीडियाटेक के G90T से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं GPU के बारे में, तो जो हमारा मीडियाटेक का G90T है वो आता है आर्म का माइली G76 3EEE MC4 के साथ में। और यहाँ पर जो आपको स्पीड मिलती है वो 800 MHz की। एंड जो हमारा 730G है वो आता है एडिनो के 680 GPU के साथ में, जो आता है 500 MHz की स्पीड के साथ। आज यहाँ पर अगर GPU परफॉर्मेंस की बात करें, तो GPU परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर हमारा जो मीडियाटेक का G90T है वो मच बेटर निकल के आता है, बिकॉज उसमें जो आपको स्पीड मिलती है वो 800 MHz की। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अगर 730G की, तो वो आपको आता है 500 MHz की स्पीड के साथ में। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट है वही हमारा हीलियो का G90T लेकर जाता है। तो फाइनली हमारा मीडियाटेक का जो G90T प्रोसेसर है वो ये जीत जा रहा है। यहाँ पर उसके पास हो चुके हैं 2 पॉइंट्स और यहाँ पर ये है अभी तक 0 पॉइंट्स पर। एंड नेक्स्ट अगर बात करें भैया गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, बिकॉज दोनों ही प्रोसेसर गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर हैं, तो यहाँ पर जो आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G है उसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन एलाइट गेमिंग फीचर, जो कि गेमिंग के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। यहाँ पर अगर बात करते हैं मीडियाटेक के G90T के बारे में, तो उसमें आपको मिलती है हाइपरविजन गेमिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देगी। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है गेमिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर गेमिंग को लेकर काफ़ी पावरफुल निकल के आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, तो गाइस यहाँ पर जो हमारा मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर है वो डेवलप किया गया 12 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर। बट इसके कंपैरिजन में अगर बात करें 730G की, तो वो प्रोसेसर डेवलप किया गया 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड वहाँ पर जो आपको पावर एफिशिएंसी मिलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मामले में जो पॉइंट जाता है वो जाता है 730G के पास में, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर जो डेवलपमेंट की गई है वो है प्रोसेस 7 नैनोमीटर पर। तो यहाँ पर हमारा जो मीडियाटेक का G90T है वो थोड़ा सा मात खा जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलती है 12 nm की प्रोसेस देखने को मिलती है। देन यहाँ पर हम बात करते हैं भैया कैमरा कंपार्टमेंट के बारे में, बिकॉज कैमरा के बिगाड़ हमारी जो जिंदगी अभी तक भैया कंप्लीट नहीं हो पाती है, हमको चाहिए हर फोन में एक बेटर कैमरा। तो यहाँ पर अगर बात करते भैया कंपार्टमेंट की, तो G90T जो आता है उसमें आपको मिलता है 3 ISP देखने को मिल जाती है, जो सपोर्ट करती है अब तो 48 MP का सिंगल कैमरा सेंसर 830 fps। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं डुअल कैमरा की, तो उसमें आपको मिलता है सपोर्ट 24 MP प्लस 16 MP का डुअल कैमरा सेंसर 830 fps तक का। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं 730G की, तो उसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं ISP की, तो वो आपको मिलती है स्पेक्ट्रा 350 कंप्यूटर विजन इमेज सिग्नल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर अगर बात करते हैं ISP की, तो
एफ, ये आता है डुअल आईएसपी के साथ। एंड अगर कैमरास की बात करें तो यहाँ पर अगर डुअल कैमरास की बात करें तो ये प्रोसेसर अप टू कैपेबल है 22 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास के साथ में विद 30 एफपीएस एंड एमएफएनआर एंड जेएसएल टेक्नोलॉजी के साथ में। एंड अगर बात की जाए एमएफएनआर और जेडएसएल टेक्नोलॉजी के बारे में तो यहाँ पर ये कैमरा सेंट्रिक टेक्नोलॉजी है जो आपको पिक्चर्स लेने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। एंड इसको रिलेटेड मैं आपको इन फ्यूचर वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसी एमएफएनआर एंड जेडएसएल टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर ये सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है अप टू 36 मेगापिक्सल का एमएफएनआर एंड जेडएसएल के साथ में। एंड यहाँ पर अगर बात करें 48 मेगापिक्सल की तो इसमें आपको मिलता है सपोर्ट ओनली एमएफएनआर का। एंड अगर बात करें विदाउट एमएफएनआर एंड जेडएसएल के साथ में तो यहाँ पर ये सपोर्ट करता है अप टू 192 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर को। एंड गाइस अभी तक 192 मेगापिक्सल वाला कोई भी स्मार्टफोन नहीं आया है, तो इन फ्यूचर आपको जो भी स्मार्टफोन मिलेगा 100 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर वाला तो वो डेफिनेटली आने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G प्रोसेसर के साथ में, ऐसा आप यहाँ पर लिख के रख लीजिए। आज अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कैमरा कंपार्टमेंट की तो कैमरा कंपार्टमेंट के बारे में डेफिनेटली हमारा जो 730G है वो भैया बाजी मार जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है काफ़ी सारा पैकेज इसी कैमरा सेंसर के कंपैरिजन में, यानी कि जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी हाई पावर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है हमारा वो इसी स्नैपड्रैगन के 730G के ऊपर जाता है जो है कैमरा कंपार्टमेंट के बारे में। गाइस यहाँ पर बात आती है रैम की, बिकॉज विदाउट रैम जो हमारा प्रोसेसर है वो अच्छा वर्क नहीं कर सकता है, सो हमारे लिए एक बेटर रैम का भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं Z90T की तो उसमें हमको मिलती है LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है। जो रैम है अप टू 10GB की देखने को मिलती है, जो स्पीड है वो हमको मिलती है 2133 MHz की। एंड जो हमारा 730G है वो आता है LPDDR4X रैम के साथ में। जहाँ पर जो आपको रैम मिलती है वो है 8GB की रैम। एंड वहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती जो है 3733 MHz की स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइस यहाँ पर अगर बात करते हैं रैम के कंपार्टमेंट में तो यहाँ पर जो 730G है वो फिर से यहाँ पर बाजी मार जाता है, एक पॉइंट 730G के पास चला जाता है। बिकॉज अगर बात करें रैम मैनेजमेंट की तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और आपको जो स्पीड मिलती है वो 730G में काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पर जो G90T है वो सपोर्ट करता है eMMC 5.1 स्टोरेज एंड UFS 2.1 टाइप की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। अगर बात करें 730G की तो ये ओनली सपोर्ट करता है UFS 2.1 की स्टोरेज को। तो यहाँ पर जो स्टोरेज के मामले में जो पॉइंट है वो जाता है G90T की तरफ, बिकॉज यहाँ पर जो आपको स्टोरेज मिलती है वो eMMC 5.1 एंड UFS 2.1 दोनों टाइप की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भैया दोनों प्रोसेसर बराबर में आ चुका है। एंड देन यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इसकी डिस्प्ले के बारे में, बिकॉज हमारे गेमिंग खेलने के लिए हमारे लिए बेटर डिस्प्ले का भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर बात करें भैया G90T की तो वो सपोर्ट करती है अब तो फुल HD डिस्प्ले 20:9 के साथ। जो डिस्प्ले होगी वो होगी 19Hz की। एंड वहाँ पर अगर पिक्सल साइज की बात की जाए तो वहाँ पर निकल के आता है 2400x1080 पिक्सल की पिक्सल साइज देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करते हैं 730G की तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलती है वो है क्वाड HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद HDR10 के साथ में। जो पिक्सल साइज है वो है 3360x1440 के साथ में आपको जो पिक्सल साइज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें भैया डिस्प्ले के कंपार्टमेंट के बारे में तो हमारा जो 730G है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले मिलती है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्वाड HD प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आपकी डिस्प्ले एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देगा। एंड वहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता है HDR10 का, जिसकी वजह से आपकी जो डिस्प्ले क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस होने वाली है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो जाता है 730G की तरफ। जब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में जो है इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शन को लेके, तो यहाँ पर अगर G90T की बात करें तो वो 4G LTE के 12 के साथ में, जहाँ पर जो आपको डाउनलोड स्पीड मिलती है वो है 600 Mbps तक की, और K30 जो कि भैया आपको अपलोडिंग के लिए प्रोवाइड कराया गया है उसमें आपको मिलती है अपलोडिंग स्पीड अप टू 150 Mbps यानी कि 1 Mbps तक की। और बात करते हैं स्नैपड्रैगन 730G के फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का X15 LTE मॉडम देखने को मिल जाता है जो कि यूज़ करता है LTE K15 की टेक्नोलॉजी को, जहां पर आपको जो डाउनलोड स्पीड मिलती है वो है 800 MB/s की। एंड जो LTE K13 है वो यूज किया गया अपलोडिंग के लिए, जहां पर जो आपको स्पीड मिलती है वो है 150 Mbps तक की। सो गाइस अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो और डाउनलोडिंग अपलोडिंग की बात की जाए तो इन जिस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारा 730G है वो बाजी मार जाता है।
सो गाइस अब अपन बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में, अपना कंक्लूजन के बारे में कि आखिर जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर जो हमारा 730G है वो मच बेटर निकल गया था मीडियाटेक के G90T से। एंड यहाँ पर ये ऑन पेपर स्पेक्स हैं, बट जब यहाँ पर हमारे पास डिवाइस आते हैं तब हम डिवाइस में देखते हैं भैया कौन सा प्रोसेसर कितना ज़्यादा पावरफुल निकल जाता है। बट अगर बात कीजिए भैया ऑन पेपर की, ऑन स्पेक्स की, जो हमको सारे रीडिंग मटेरियल मिलते हैं ऑन पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्नैपड्रैगन 730G है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। बिकॉज वो प्रोसेसर आता है 7nm के टेक्नोलॉजी के साथ में, वहाँ पर आपको काफ़ी हाई क्वालिटी चीज़ देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में कंपेयर करके बता दिया है। एंड बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एंड आई होप जो कंपैरिजन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट हैं आपको सबसे पहले मिलते रहे। बाकी मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।